खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर काला के हनुमान। चारों तरफ भक्तों का सैलाब, सड़कों पर भक्तों की संख्या, पंडाल के भीतर भक्तों का सैलाब, पंडाल के बाहर भक्तों का सैलाब। ये तस्वीरें बिहार के तरेत पाली मठ की हैं। नौबतपुर के इसी इलाके में देश के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा ऐसी जो आज तक नहीं हुई, एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व आयोजन जिसमें चारों तरफ भक्तों का सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। तरेत पाली की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर जितने वाहन चल रहे हैं, उन सभी वाहनों पर किसी भी तरह श्रद्धालु बैठकर कथा स्थल की तरफ पहुंचना चाह रहे हैं। वाहनों में बैठने ना मिले तो उनकी छतों पर बैठकर जाना है, लेकिन किसी भी सूरत में तरेत पाली में चल रही बागेश्वर धाम सरकार की कथा को सुनना है। पूरा बिहार इन दिनों बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की इसी कथा को लेकर चर्चा में है। चर्चा शुरू की थी आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने, जब उन्होंने बागेश्वर बाबा पर हिंदू मुसलमान कराने के आरोप लगाते हुए उन्हें बिहार में घुसने नहीं देने की चेतावनी दी थी। लगता है कि उनकी इस चेतावनी का असर बिहार के भक्तों पर पड़ा है। उन्होंने इसे चैलेंज की तरह लिया, तभी तो बिहार के इस आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे जितने आज तक कभी नहीं पहुंचे। बीते रोज तो पंडाल में जब श्रद्धालु मुश्किल में पड़ने लगे तो बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर को एक घंटे पहले ही कथा को रोकना पड़ा। कथा स्थल के चारों तरफ व्यापक इंतजाम किए गए हैं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी श्रद्धालुओं की संख्या के सामने ये इंतजाम धरे के धरे रह गए। हालांकि लोगों के बीमार होने पर उन्हें पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सा विभाग और एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं तक मुहैया कराई जा रही हैं। कथा का पंडाल इतना विशाल है जिसमें आमतौर पर आयोजन नहीं होते, लेकिन ऐसे ऐसे तीन पंडाल पूरी तरह फुल भरे हुए हैं। इसके अलावा खुले मैदान में 40 डिग्री तापमान के बावजूद भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। भक्तों की इतनी बड़ी संख्या को देखने के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी फूले नहीं समा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं की एकता का नजारा है। बिहार की यह पावन भूमि, मैया सीता, माता सीता की जन्मभूमि बिहार, वीरों की भूमि बिहार, संतों की भूमि बिहार, धन्य है और धन्य है बिहार के लोग जिन्होंने समूचे भारत वर्ष को बता दिया कि हिंदुओं में अगर एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है। अगर सनातनीय हिंदुओं में एकता हो तो उसका नजारा क्या, उसका दर्शन करना है तो आओ कुछ दिन गुजारो बिहार में। बिहार के लोगों को लोग पिछड़े और बिछड़े कहते थे, लेकिन उन लोगों के मुंह पर तक बिहार पिछड़े और बिछड़े नहीं है, बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है। हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भड़क रही है।